शनि ग्रह के 146 मून्स में से एक टाइटन उन चुनिंदा प्लैनेटरी बॉडीज में से एक है जिसको लेकर वैज्ञानिक बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं। ना सिर्फ इसीलिए क्योंकि टाइटन हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सारे चंद्रमाओं में से अलग है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, जिस वजह से सैटर्न पर भेजे गए स्पेसक्राफ्ट द्वारा इसको स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाता है। हालांकि साल 2014 में हमारे स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन पर कुछ ऐसे टापू को खोज निकाले जो कि मैजिकल बिहेवियर शो कर रहे थे। हमें वहां पर कुछ ऐसे जादुई आइलैंड्स मिले जो अचानक से कहीं पर प्रकट हो जाते थे तो अचानक ही गायब भी हो जाते थे। पर आखिर इसके पीछे क्या राज छिपा हुआ है? फिलहाल आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1997 में लॉन्च होने के बाद जब कसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न और उसके आसपास की चीजों की तस्वीरें खींचना शुरू की तो उसने धरती पर अगले दो दशकों में सैटर्न और उसके मून से रिलेटेड ढेर सारा डेटा भेजा। मगर हम आज जिस खोज की बात कर रहे हैं वो खोज होता है साल 2013 में। जब 2013 में कसिनी स्पेसक्राफ्ट का डेटा धरती पर आया, एक नॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू रिसर्चर्स द्वारा पुरानी तस्वीरों से नई तस्वीरों को मैच कर रहे थे। ऐसा बेसिकली इसीलिए किया जाता है ताकि प्लैनेट या फिर मून की पुरानी और नई तस्वीरों में डिफरेंस डिटेक्ट किया जा सके और ये पता लगाया जा सके कि लास्ट और लेटेस्ट इमेजेस के बीच उस प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट पर कुछ अनयूजुअल या जरूरी घटनाएं तो नहीं घटित हुई है, जैसे कि एस्ट्रॉइड का टकराना, कॉमेट का नजर आना या फिर प्लैनेट में किसी नई तरह की एक्टिविटी जो पहले नोटिस नहीं की गई थी। अब इस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले देखने वाले जेसन हॉफगार्टनर जब अपने कलीग्स के साथ एक एक करके टाइटन के इमेजेस को एनालाइज कर रहे थे ना, तभी उनका ध्यान एक इमेज पर गया जिसके फिजिकल फीचर्स पुराने डेटा से अलग थे। दरअसल टाइटन पर मौजूद समुद्रों में उन्होंने एक ऐसे एरिया को डिस्कवर किया जो जुलाई 2013 के पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मगर जुलाई 2013 के बाद वाले डेटा में या यू कहे कि इमेजेस में अचानक से उसकी ऑक्यूरेंस नोटिस करी गई। Now this looked like as if अचानक हवा में से ही कोई लैंड मास ऑल ऑफ ए सडन टाइटन की सरफेस पर प्रकट हो गया वो। But that's not it. इस घटना में जो चीज और ज्यादा कंफ्यूज करती है वो है इसके बाद की रीडिंग्स। देखो, बीबीसी में पब्लिश होने वाले इस आर्टिकल के हिसाब से जब कसिनी टाइटन की ओर से 10 जुलाई के दिन पास हुआ था तब इस छोटे से फीचर को पहली बार देखा गया था। अब यहाँ वैज्ञानिकों ने सोचा कि नेक्स्ट टाइम वो शायद और डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, बट सरप्राइजिंगली जब कसिनी अगली बार यानी कि 26 जुलाई के दिन टाइटन के पास से फिर से गुजरा ना और उसने वापिस से यहाँ की इमेजेस खींची तो इस बार वही मिस्टीरियस आइलैंड गायब हो चुकी थी, जैसे कि मानो वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया करती थी। अब जब इसी मामले की अमेजिंगनेस को देखते हुए और ज्यादा इमेजेस खंगालनी शुरू की गई तो जेसन ने देखा कि ये ऐसे मिस्टीरियस आइलैंड्स के सडनली रीअपेयर होके डिसअपीयर हो जाने वाला पहला मामला नहीं था, क्योंकि आर्काइव्स में मिली फोटोज ने रिवील किया कि ऐसा ही एक और इंसिडेंट पहले भी हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टेंस को लीजिए जिसे यूनिवर्स टूडे में कवर किया गया था, जिसे टाइटन के सेम स्पॉट की तीन अलग अलग टाइमलाइंस के इमेजेस दिखाई गई है। अब इसमें से पहली फोटो जो कि 26 अप्रैल 2007 के दिन ली गई थी, अगर आप उसको देखेंगे ना तो आपको इसके अपर एज के आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। मगर इसी सेम स्पॉट को जब 10 जुलाई 2012 के दिन रिकैप्चर किया गया था तो फिर देखा गया कि यहाँ पर एक आइलैंड की तरह कुछ सडनली अपीयर हो चुका था। अब हैरानी यही खत्म नहीं होती है क्योंकि अगली बार यानी कि 21 अगस्त 2014 के दिन जब कसिनी यहाँ से गुजरा था तो ये आइलैंड वापिस से गायब हो गया था, as if it never existed. Now इतने डेटा को देखकर वैज्ञानिकों को इसके बारे में दो चीजें पता चल गई थी। पहली तो ये कि टाइटन में ये फिनोमेना कॉमन बात है और दूसरी बात ये कि इन स्ट्रक्चर्स के सडनली अपीयर होने के बाद टाइटन के समुद्रों के ऊपर ये अच्छे खासे समय तक रहने के बाद डिसअपीयर भी हो जाते हैं। इससे दो चीजें प्रूफ भी हुई, पहली तो ये कि ये अनोमली किसी मैकेनिकल एरर की वजह से नहीं हो रही थी और दूसरी ये कि ये कोई नॉर्मल सॉलिड आइलैंड्स में नहीं हो सकते हैं, वरना ये डिसअपीयर होने के बजाय फ्लोट करते ही रहते। अब इन सभी बातों को जानने के बाद अब सवाल ये आ चुका था कि आखिर ये मैजिकल आइलैंड्स है क्या और कहीं ये किसी एलियन सोसाइटी का सीक्रेट बेस तो नहीं है जिसे हम इवेंचुअली कैप्चर कर ही लिया करते थे।
वेल नाउ साइंटिस्ट स्टार्टेड टू स्टडी दिस, मगर इस रिसर्च में बहुत से चैलेंजेस भी थे। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे सैटेलाइट्स के थ्रू पृथ्वी की डायरेक्ट इमेजेस ले सकते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि कौन से एरिया में डेजर्ट है, कहाँ पे फॉरेस्ट है और कहाँ पे माउंटेन्स है, वगैरह वगैरह। वैसे यहाँ पर कसिनी इस तरह की डायरेक्ट इमेजेस के थ्रू टाइटन को स्टडी नहीं कर सकती थी, बल्कि उसका तरीका थोड़ा कैजुअल था। दरअसल कसिनी क्या करता है कि टाइटन पर रेडियो बीम्स को भेजता है, जिसमें से जब कोई रेडियो बीम किसी नॉन सी लैंड या फिर सॉलिड सरफेस से टकराती है तो वो वापस से कसिनी के रडार में आ जाती है, जिससे कि वैज्ञानिकों को ये पता चल जाता है कि उस इलाके में जमीन मौजूद है। जबकि यही रेडियो वेव्स जब समुद्र में जाती है तो ये बिखर जाती है और कभी वापस नहीं आती। और देखो, यही कारण है कि आप सभी इमेजेस में टाइटन के सी को पूरी तरह से डार्क ही देखेंगे। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस रीजन की रेडियो वेव्स के वापस ना पाने की वजह से ट्रांसमिटिंग इमेजेस में वो एरिया किसी वॉइड की तरह दिखता है। इन शॉर्ट, विजुअली इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जाना इम्पॉसिबल था, और एकमात्र तरीका जिससे कि इस फेनोमेना को सॉल्व किया जा सकता था वो था टाइटन की केमिकल कंडीशंस को इमिटेट करके पॉसिबल सिनेरियोस को सिम्युलेट करते हुए ऐसे ही सिमिलर डेटा को जनरेट करने की कोशिश करना। और आने वाले सालों में ठीक ऐसा ही किया भी गया। टाइटन और पृथ्वी में बहुत से सिमिलैरिटीज है, जिसमें से सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है यहाँ पर समुद्र का होना। धरती के अलावा पूरे सोलर सिस्टम में टाइटन ना सिर्फ इकलौती ऐसी जगह है जहां पर समुद्र एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि टाइटन का एटमॉस्फेयर भी धरती की तरह वाटर साइकिल को एग्जीक्यूट करता है। हावेवर, इस सिमिलैरिटी में एक ही डिफरेंस है, और वो ये है कि टाइटन पर मौजूद समुद्र पानी से भरे हुए नहीं होते हैं, बल्कि ये भरे हुए होते हैं मीथेन और ईथेन जैसे कंपाउंड से, और वहां पर बारिश भी मीथेन की ही होती है, जिस वजह से सैटर्न के मून टाइटन पर होने वाले इसी प्रोसीजर को हाइड्रोलॉजिक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। नाउ ये डिटेल इस रिसर्च के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वैज्ञानिकों को अब एक ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ढूंढने की जरूरत थी जो मीथेन और ईथेन के ऊपर कुछ समय तक फ्लोट करता रहे और फिर बाद में इस समुद्र के अंदर डूबने की वजह से डिसअपीयर हो जाए। अब इस आइडिया को बेसिकली क्रिएट किया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में मौजूद रिसर्चर जिंटिंग यू ने, जो इंस्पायर हुए थे इस आइडिया के लिए प्यूमाइस रॉक से। देखो, प्यूमाइस बेसिकली मैग्मा से बनने वाले ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें ढेर सारे छेद मौजूद होते हैं, और इन पत्थरों की खासियत ये होती है ना कि इनको अगर आप पानी में डालेंगे तो ये थोड़ी देर तक तो उसमें तैरेंगे, मगर धीरे धीरे नीचे जाते जाते एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे टाइटन पर मैजिक आइलैंड्स के साथ हो रहा था। अब टाइटन पर तो हॉट वॉल्केनोज मौजूद नहीं है जो प्यूमाइस को क्रिएट कर सके, जिस वजह से सवाल ये आता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स ऑल ऑफ ए सडन इन जगहों पर कहां से गिर सकते हैं, और यहां पर आती है टाइटन की एटमॉस्फेरिक स्टडी। देखो, टाइटन का एटमॉस्फेयर धरती के मुकाबले 50% ज्यादा घना है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब अपनी रिसर्च में यू ने कहा कि इसी एटमॉस्फेयर में जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में किसी कंपाउंड्स की तरह जुड़कर कंडेंस हो जाते हैं ना, तो ठंडे होने के बाद वो ठीक उसी तरह वापस से मून की सरफेस पर गिरते हैं जिस तरह हमारी धरती पर बारिश होती है। और चूंकि टाइटन पर समुद्र की लहरें सिर्फ कुछ मिलीमीटर ही ऊंची उठती है, इस वजह से ऊपर से नीचे गिरने वाले हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स समुद्र की लहरों की वजह से तुरंत गायब नहीं हो पाते हैं, जैसा कि धरती पर बड़ी बड़ी लहरों की वजह से होता है। अब प्रोफेसर के पास एक दशक पुरानी समस्या का सोल्यूशन तो आ चुका था, मगर उसके एग्जीक्यूशन में अभी भी एक दिक्कत आ रही थी। और दिक्कत ये थी कि जब टाइटन के सिम्युलेटेड मॉडल को क्रिएट किया गया और फिर उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से जब फ्रोजन कंपाउंड्स को टाइटन के समुद्र जैसे लिक्विड सरफेस पर डाला गया, तब मैजिक आइलैंड जैसे रिजल्ट क्रिएट ही नहीं हो रहे थे। देखो, यहाँ पर दिक्कत क्या थी ना कि जो फ्रोजन सॉलिड टाइटन के एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखकर क्रिएट किए जा रहे थे, उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो लिक्विड मीथेन और ईथेन से बने हुए टाइटन के समुद्र पर फ्लोट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस लिक्विड की डेंसिटी इतनी कम थी कि जैसे ही वो सॉलिड समुद्र में जाता था तुरंत पानी के नीचे चला जाता था। और ऐसा जब रिपीटेडली होता रहा तो प्रोफेसर को वापस से प्यूमाइस और उसमें मौजूद होल्स की याद आई। और बस फिर क्या था, जब उन्होंने उन फ्रोजन सॉलिड पर थोड़े से होल्स क्रिएट करके उसके स्ट्रक्चर का साइज थोड़ा बढ़ाया और फिर उस लार्जर पोरस फ्रोजन सॉलिड को टाइटन के सी पर डाला, तो फाइनली उन्हें मैजिक आइलैंड्स वाला रिजल्ट मिल ही गया। रिसर्च में फाइनली कंक्लूड किया गया कि वैसे तो अगर ये फ्रोजन सॉलिड बहुत छोटे से साइज में समुद्र में गिरेंगे तो इनसे वो रिजल्ट्स ऑब्टेन नहीं किया जा सकते, लेकिन जब ये फ्रोजन सॉलिड्स परमानेंट लैंड मासेस के सोर्सेस पर जमा होते रहते हैं तो इनका साइज बढ़ता ही चला जाता है।
और इवेंचुअली एक समय ऐसा आता है जब ये कलेक्टेड फ्रोजन सॉलिड उस तटीय इलाके से टूट जाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारी धरती पर ग्लेशियर्स टूटती है। और टूटने के बाद अगर उनका साइज वाकई में बहुत बड़ा हुआ और उनके पूरे स्ट्रक्चर पर अच्छे खासे छेद हुए लीडिंग टू ए राइट अमाउंट ऑफ पोरोसिटी, तो ये इकट्ठा समुद्र के अंदर समाने के बजाय धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, सॉल्विंग द मिस्ट्री ऑफ डिकेड्स ओल्ड मैजिकल आइलैंड्स। अब देखो, ये रिसर्च मुझे थोड़ी सी अमेजिंग जरूर लगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लेन करती है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी अनएक्सपेक्टेड चीज के पीछे कोई कॉम्प्लेक्स सा रीजन ही छिपा हुआ हो, बल्कि कई बार उस फिनोमेना के पीछे की साइंस इतनी सिंपल होती है कि हम उस पर गौर करना ही भूल जाते हैं और उसे किसी मिस्ट्री की तरह डिक्लेयर कर देते हैं। हालांकि देखो, सैटर्न पर टोटल कितने मून्स पाए गए हैं, जाते जाते हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। देखते हैं आप में से कितने सारे लोग वाकई में एस्ट्रोनॉमी के बारे में रुचि भी रखते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना, तो आपको ये वाला वीडियो भी डेफिनेटली पसंद आएगा, जिसमें हमने बात किया है किलर व्हेल्स के बारे में, कि कैसे किलर व्हेल्स आजकल इंसानों से बदला ले रही है, कैसे वो इंसानों के जहाजों में लगातार हमला कर रही है और उसे डुबा रही है। आखिर किलर व्हेल्स को ऐसा क्या हो गया है, उन्हें हम इंसानों से बदला लेने की आखिर जरूरत ही क्या है, इस वीडियो में जाकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।